तो दोस्तों आज भी यहाँ पे राम सेतु के अवशेष दिखते हैं। जो मेरे पीछे आप एक लैंड देख रहे हो यहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग स्टोन है, जो तैने वाले पत्थर है वो जगह जगह पे दिखाई देते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, 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 हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हां, एक तो बात है, मेरे पीछे आप जो लोकेशन देख रहे हो ये वही लोकेशन है जब राम जी सीता को लेकर आ रहे थे और सीता माता को प्यास लगी थी, तो राम जी ने यहीं पे समुद्र के बीच में बांध चलाकर यहाँ का समुद्र से मीठा पानी निकाला था। सागर जय कपीशति लोकौ जागर राम दूता तुलित बल धामा अञ्जनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम पचरति कुमति निवार सुमतिके सन्ति कंचन वरण विराज। दोस्तों अभी मैं हूँ द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, इंडिया की आखिरी लैंड पे मैं खड़ा हूँ, और मेरे इधर आप देखोगे तो एक रोड आ रहा है, जो रोड आने के बाद में यहाँ पे खत्म हो जाता है, और यहाँ पे एक सर्कल देख रहे हो, एक अशोक स्तंभ बना हुआ है, क्योंकि ये इंडिया का आखिरी लैंड है। इससे आगे फिर ओशन आ जाता है, फिर आप 18 किलोमीटर आगे जाओगे वोटर में तो श्रीलंका आ जाएगा, और 3 किलोमीटर दूरी पर इंडियन वोटर बॉर्डर आ जाएगा, और 15 किलोमीटर आगे के बॉर्डर वो श्रीलंका का है। मेरे राइट साइड में आप जो वोटर देख रहे हो वो बंगाल है, और मेरे लेफ्ट साइड में जो आप वोटर देख रहे हो वो इंडियन ओशन है, और यहीं पे दोनों आके मिल जाते हैं, तो ये इसलिए भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट लोकेशन हो जाती है। और ये लोकेशन रामेश्वरम के धनुषकोडी में है, धनुषकोडी जहाँ से श्री राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया था। जब राम जी सीता जी को छुड़ाने के लिए श्रीलंका जा रहे थे तो यहीं से राम सेतु का निर्माण हुआ था, और यही इंडिया की आखिरी लैंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी टूरिस्ट लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, धनुषकोडी को देखने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों आज भी यहाँ पे राम सेतु के अवशेष दिखते हैं। जो मेरे पीछे आप एक लैंड देख रहे हो यहाँ पे पानी सूखा हुआ है, जब यहाँ पे पानी सूख जाता है तो यहाँ पे अभी भी राम सेतु के कुछ अवशेष दिखे हैं, और नासा ने भी ये माना है कि राम सेतु रियल में है। आगे आप मैप में भी देखोगे एक बार ओपन करके, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस है वहां पर आपको सेतु के तरीके का कुछ आपको दिखेगा। तो पानी सूख जाने के बाद में जमीन ऊपर आ जाती है, तो उसी को अवशेष मानते हैं राम सेतु का। तो बात करें अभी राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ था। जब श्री राम जी सीता को छुड़ाने के लिए श्रीलंका जा रहे थे तो समुद्र को लांघना था, पर समुद्र में बहुत ज्यादा पानी था, तो सब वानर सेना उनकी नहीं जा सकती थी श्रीलंका में। तो उसी टाइम पे रावण के भाई विभीषण ने उन्हें एक उपाय बताया कि समुद्र देव की पूजा करो, उनसे रास्ता मांगो। फिर उन्होंने पूजा की पर उन्हें रास्ता नहीं मिला, फिर श्री राम जी क्रोधित हो गए, उन्होंने अपना बांध निकाला, और बांध निकालने के बाद में वो बांध चलाने ही वाले थे, समुद्र को पूरा सुखाने वाले थे, फिर इतनी ही देर में समुद्र देव प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में समुद्र देव ने श्री राम जी को उनका उपाय बताया कि किस तरीके से वो श्रीलंका तक जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नामक दो वानर है, उनको ये श्राप मिला हुआ है, अगर वो कोई भी चीज पानी में फेंकेगी तो वो तैरने लगेगी। तो फिर श्री राम जी ने नल और नील को बुलाया और राम सेतु है उसका निर्माण कराना स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से नल और नील के द्वारा जो राम सेतु है उसका निर्माण किया गया, और सभी पर श्री राम लिखकर पानी में डाला गया। तो इसी तरीके से लेके धनुषकोडी से श्रीलंका तक एक ब्रिज का निर्माण किया गया, जो कि मैप में आपको आज भी दिखता होगा। एक थ्योरी तो ये है, जब श्री राम जी सीता को लेके वापस आ गए थे तो विभीषण ने बोला था कि इस जो सेतु है इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, मतलब इसको खत्म कर दीजिए, तो तभी श्री राम जी ने अपना धनुष बाण निकाल के इस पुल को, इस जो सेतु है उसको नष्ट कर दिया था, कि कोई दूसरा राजा जाके पर श्रीलंका पे आक्रमण ना कर सके, या दूसरा राजा जाके उनको परेशान ना कर सके, क्योंकि रावण के बाद में विभीषण को ही श्रीलंका का राजा बनाया गया था, तो विभीषण ने राम जी से तोड़ के वो पुल तुड़वा दिया था। तो एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि 1480 में एक साइक्लोन आया था, जिस साइक्लोन की वजह से जो कि राम सेतु है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब पूरा खत्म हो गया था। वो जो अभी यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल है उनके रिकॉर्ड में भी ये बताया गया है कि कुछ टाइम तक यहाँ पे राम सेतु अभी भी दिखता था, वो साइक्लोन आने के बाद में वो फिर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अभी भी यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग स्टोन है, जो तैने वाले पत्थर है वो जगह जगह पे दिखाई देते हैं। पानी सूखने पर कुछ जमीन ऊपर आ जाती है, जो कि आप इधर देख सकते हो, वहाँ पर भी कुछ जमीन है जो कि ऊपर है, फिर उससे आगे मतलब राम सेतु स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से पूरा राम सेतु है जो वो अभी तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब अभी खत्म हो चुका है, पर उसके अभी भी कुछ एविडेंस है। तो ठीक है, जब हम धनुषकोडी से थोड़ा आगे आ चुके हैं तो 7 या 8 किलोमीटर के बाद में कोठंडूरामा टेम्पल करके एक टेम्पल है, जो विभीषण जी का टेम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है, और यहाँ पे आके लोग बाग इसको देख रहे हैं, और ये पत्थर पानी में भी तैर रहा है, पर इसको देखने के लिए आपको 20 रुपीज चार्ज करना होता है, मतलब देना होता है, फिर ये आपको दिखाया जाता है, आपके सिर पे रखा जाता है, फिर कुछ ये मंत्रोच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद में आपको ये पत्थर दिखाते हैं। तो एक बार हम भी देखते हैं, चलो एक बार ये पत्थर देख के आते हैं और देखते हैं कि पानी में तैरता है या नहीं, और वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको आस्था मानते हो साइंस। तो ये गाइस अभी हम राम सेतु को देखने वाले हैं। जो राम सेतु में जो पत्थर यूज किया गया था वो यहाँ पे रखा हुआ है, और बोला जाता है कि ये पत्थर अभी तैरने वाला है, मतलब पानी में, ये रियल पत्थर है। तो देखते हैं, मैं टेस्टिंग करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे हरे महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, 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 हरे हरे महादेव, ओम नमः शिवाय। तो
ठीक है, जब हम आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पर, मेरे पीछे आप जो लोकेशन देख रहे हो ये वही लोकेशन है जब राम जी सीता को लेके आ रहे थे और सीता माता को प्यास लगी थी, तो राम जी ने यहीं पे समुद्र के बीच में बांध चलाकर यहाँ का समुद्र से मीठा पानी निकाला था, तो ये वही लोकेशन है। तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हो बांध गंगा, तो यही वही जगह है, ये वही कुआ जिससे मतलब सीता माता ने पानी पिया था, जो जिससे हम समुद्र के बीच में मीठा पानी निकाला था श्री राम जी ने। तो अभी आप यहाँ पे देख भी रहे हो, मतलब सब लोग यहाँ पे आके मीठा पानी पी रहे हैं। तो यही है, समुद्र से आप पियोगे तो बिल्कुल एकदम नमकीन पानी होगा, खारा पानी वाले आप कुंड का पानी पियोगे तो ये पूरा मीठा पानी होगा। एंडिंग रोड से थोड़ा आगे आ चुके हैं, तो इस रोड को आप देख सकते हो, ये रोड काफी ज्यादा सुंदर है। ये सुंदर किस वजह से है, अगर आप राइट हैंड में देखोगे तो आपको वे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलेगा, जो कि पूरा आप बंगाल की खाड़ी का इधर पानी देख सकते हो, और इधर आप देखोगे तो इंडियन ओशन का यहाँ पे वोटर आप देख सकते हो, और बीच में पूरा रोड है और दोनों तरफ पानी है, तो अलग है यहाँ पे इस रोड पे खड़े होने के बाद में वाइब आती है। तो अभी बात करते हैं आप किस तरीके से धनुषकोडी आ सकते हो, कहीं से भी आ रहे हो तो आप मदुरई या चेन्नई आ जाइए, चेन्नई से आप रामेश्वरम के लिए बस पकड़ लीजिए, फिर बस से आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। तो मतलब आपके नियर बाय जो भी रेलवे स्टेशन होंगे बड़े, वो आपके मदुरई और आपका चेन्नई होगा, जो कि धनुषकोडी के लिए ट्रेन चलती थी वो अभी बंद हो चुकी है, मतलब क्योंकि जो पाम्बन ब्रिज है उस पर काम चल रहा है, उस वजह से ट्रेन यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। तो ठीक है, यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।